सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या बन रहा है। तो आज बन रहा है आलू के परौठे। इतनी सर्द और इतने ठंड में भाई आलू के पराठे खाने के मज़े कुछ और है। तो चलिए हम आलू ले लिए हैं, अच्छे खासे आलू निकाल के अब इसे हम कुकर में बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। तो तब तक हम बॉईल हो रहा आलू, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तब तक हम जा रहे हैं बनाने चटनी। हमें करना क्या है कि पहले हमें सारा सामान नहाना है। तो मैंने हरे धनिया को निकाल लिया है, ये हरे धनिया को तोड़ तोड़ के मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ पानी में। और कुछ हमने लिया लहसुन। इंग्रेडिएंट्स में आप लेंगे अदरक, मिर्ची, टमाटर, अचार, आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे लगते हैं आप सब डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने धनिया साफ़ कर लिया है, ये हमारे खेत का धनिया है, एकदम प्योर और हेल्दी। तो चलिए हम इस धनिया को धो लेते हैं फ्रेश में, फ्रेश फ्रेश पानी से धनिया धो लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसको धुलने के बाद इसको चटनी बनाने का तरीका पूरा। जी जैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी, तो जी हरी चटनी बनाना बहुत इजी है। तरीका है आपको सिर्फ धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक और टमाटर, ठीक है, ये सब चीज़ तो रेगुलर डालते हैं। और इसमें मैंने एडिशनल में थोड़ा सा सरसों का तेल और आपका कोई भी अचार, आम का अचार, आंवला का अचार, जो आपको अच्छा लगे आप सब डाल सकते हैं इसमें। और लास्ट में नमक। इतना करके आप एक सिंपल सी हरी चटनी बना सकते हैं। ये चटनी दोस्तों सैंडविच वगैरह बड़े बड़े होटल में कहीं भी ये चटनी की रेसिपी यही होती, सब लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आपको बना रहे हैं, आप देखते जाइए और आप भी सीख जाएंगे। और प्लस मैं सच कह रही हूँ कि आपको बहुत ये यम्मी लगेगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिए चटनी एक बार घर में, चाहे आप पकौड़ी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये चटनी आपको हर जगह काम देगा। तो चलिए मेरे वीडियो साथ बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा अच्छे से। जी दोस्तों ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और ये देखिए हमारी चटनी का कलर। अभी मैं आपको अच्छे से कलर दिखाती हूँ इस चटनी का, एकदम ग्रीन कलर आया है, कितना यम्मी दिख रहा है। तो चलिए ये काम मेरा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम है मसाला, आलू के मसाले का स्टफिंग बनाना। तो उसके लिए हम परौठे के लिए क्या करना है हमें कि दो बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं और कुछ ग्रीन चिलीज़ और लहसुन। ये तीन चीज़ आपके लिए परफेक्ट है एक सिंपल सा मसाला तैयार करने के लिए। आप खड़े धनिया भी ले सकते हैं, काली मिर्च होती है उसको थोड़ा सा आप कूट सकते हैं मिक्सर खलबट्टे में। ये सब आपके मसाले को और चार चांद बना देंगे, बट आप सिंपल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ये चीज़ हमने चॉप कर लिया है, ये मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप कर लेती हूँ, बाकी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। जी दोस्तों मैंने स्टफिंग के लिए सारे जो भी मुझे मसाले में इंग्रेडिएंट्स डाले थे मैंने उसे तैयार कर लिया है। ये मैंने छोटे छोटे लहसुन काटे हैं क्योंकि छोटे छोटे कटे लहसुन के टेस्ट ही अलग लगते हैं। आप चाहे उसको पास्ता में भी ऐसे काट के यूज़ करेगा एकदम यमी लगेगा। ये है मिर्ची और ये है प्याज, इतना मैंने कर लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं आके क्या करने जा रही हूँ। तो मैंने अपने आलू जो थे उसमें बॉयल हो गए हैं, उसको मैं अब थोड़ा सा इसके पानी जितने भी मैं गर्म पानी निकाल के इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी, इसको थोड़ा ठंडा करूँगी क्योंकि मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से मैं इसको छील सकूँ। तो आप आगे देखते रहिए। तो मैंने आलू जो था गरम गरम मैंने आलू उसको निकाल लिया। अब हमें करना क्या, हमने कढ़ाई रखना है, अब कढ़ाई को ऑन करना है। अब उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, रिफाइंड मत डालिएगा,
क्योंकि रिफाइंड डालने के बाद आपको टेस्ट उसका पसंद नहीं आएगा। शायद सरसों के तेल का जो खाना होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सरसों के तेल में बनाया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको हम थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे जीरा। जी जीरा हमारा हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन के बाद हरी मिर्च, ये सब डाल के अच्छे से भूनते रहेंगे। जब ये दोनों दम अच्छे से लाल हो जाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याज को डाल के थोड़ा भूनते रहेंगे। और ज़्यादा प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, थोड़ा प्याज कच्चा रहेगा तो उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस सब की बातों का ज़रूर थोड़ा ध्यान दें कि हमारा कब क्या कैसे देखना है। चलिए आगे यहाँ दिखाते रहते हैं आपको। ये देखिए हमारा प्याज लाल हो चुका है और हमारा आलू भी हो गया, तो हम आलू को स्मैश कर लेते हैं स्मैशर के थ्रू। और फिर अब इस मसाले में हम इसको डालेंगे, और ये मसाले में हमें हल्दी, कोई एवरेस्ट मसाला, आपको जो भी एवरेस्ट मसाला अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं, थोड़ा गर्म मसाला डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें डालिए। और हम इसमें डाल चुके हैं सारे मसाले। डालने के बाद इसको जब ये भुजा जाए, आपका मसाला थोड़ा लाल हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे आलू को जो हमने स्मैश किया है, इसको हम इसमें डालेंगे और इसको धीरे धीरे करके भूजेंगे। तो अच्छे से इसका कलर देखिए, जितना अच्छा दिखने में लग रहा है इसका टेस्ट भी वैसे ही हो तो और अच्छी बात है। तो देखिए कम से कम 5 से 10 मिनट, 5 मिनट तक इसको अच्छे से, मतलब अच्छे से मसाला भूजेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी कच्चा बना रहा है। बहुत तो कच्चा, मतलब आलू बॉइल करके बिना मसाले बनाते हैं, लेकिन मुझे बिना मसाले के नहीं अच्छा लगता है, तो मैं सारे मसाले वगैरह डाल के बनाती हूँ, इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है, ये मसाला ठंडा हो चुका है और मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, और इसमें सारे इसका मतलब नमक वगैरह सब अच्छा है। तो मैंने आटा ले लिया है, इसको मैंने 2 कप लिया है, क्योंकि आटा हम ज़्यादा ही लेंगे पराठे के हिसाब से, मेरे मसाले के हिसाब से मुझे इतना सफिशेंट लगा तो मैंने इतना ले लिया। और इसमें मैंने डाला अजवाइन, कलौंजी काली वाली, और नमक डाल सकते हैं आप पे मन से है, आप स्किप भी कर सकते हैं और इसको डाल भी सकते हैं। तो मैं इसको गूंथ लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आलू पराठा बनाना है। लीजिए हमारा आटा है तैयार, और ये जो मैंने डो है ना कि गीला है ना कि सूखा है, या तो ये लीजिए हमने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमने पहली जो पराठा थी इसको डाल दिया था, अभी से हमें हल्के से लेके डो लेके उसमें मसाला भर के उसको प्यार से धीरे धीरे उसको हमें बेलना है, और फिर इसको हम तवा पे रखेंगे और उसको हम सेकेंगे। पहले एक साइड का जब हमारा हो जाएगा तो उसमें हम लगाएंगे तेल या घी या रिफाइंड, आप कुछ भी यूज़ करते हैं, बट इसमें आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा है सरसों का तेल आपका वेस्ट होगा, प्लस बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसमें आप सरसों का तेल स्किप कर सकते हैं, इसमें आप रिफाइंड या घी या बटर वॉट एवर आपको जो अच्छा लगे आप उसको उसमें डाल के आप अपने पराठे को बना सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार।
चाहिए, हमारे गर्मा गर्म परोठे बन के तैयार हो गए हैं। हाँ जी, हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और ये चटनी भी, तो आपको तो देख के समझ आ गए कि हम कि आपको पसंद तो आया होगा बहुत और हमें भी बहुत पसंद आया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और बनाया ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं। ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़